आप लोगों का मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। ये ब्लॉग है मेरा एक दिन घर जाने का और वहां से वापस आने का। तो गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने पीठ पर अपने सारे औजार बांध लिए हैं क्योंकि मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे हैं। घर जाने का मेरा कारण है गांव में मेरे एक भाई की तिलक और है। उस तिलक में मैंने जितने गाने गाए वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल ये है इकाना स्टेडियम लखनऊ वाला, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। यहाँ मैं जा चुकी हूँ लेकिन मैच देखने नहीं गाइस, वैक्सीन लगवाने। फिलहाल आज मैंने मास्क कोरोना से बचने के लिए नहीं लगाया। मेरी खूबसूरती को किसी की नजर न लग जाए इसलिए लगाया गाइस। और फिलहाल आज जो मैंने ये स्वेटर पहना है काला वाला, ये इसी मॉल से खरीदा था जिसमें अब रोए निकल आए हैं, जो मेरी खूबसूरती पर कलंक के समान है गाइस। मेरी बकवास से मेरा रास्ता कट गया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए मैं अपने घर पहुंचने वाली हूं। और उधर दूर खड़ा जो आदमी आपको दिख रहा है वो एक हीरो है, जिसे हिंदी में पापा कहते हैं। ये पृथ्वी का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मुझे लेने के लिए कितने भी तार और कितनी मुसीबतों के नीचे से होकर गुजर सकता है। फिलहाल इस महान आत्मा ने मुझे देखते ही सबसे पहले लेक्चर देना शुरू कर दिया और बोला, जैकेट पहन के क्यों नहीं आई तू? किंतु थोड़ी ही देर में इन्हें एहसास हो गया कि काफी देर से मुझसे नमस्ते 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 पापा कह रही है। और हम दोनों अपने पर्सनल वाहन से घर की ओर निकल गए। थोड़ी ही देर में हम घर पहुंच गए, जहां मेरे स्वागत में बच्चे तो बहुत थे लेकिन किसी ने मुझे भाव नहीं दिया। किंतु कुछ ही मिनट बाद एंट्री होती है हीरो की हीरोइन की, जो कि घर का ताला बंद करके तिलक वाले घर में जाके बैठी थी। ये है मेरी मातेश्वरी। इन हीरो हीरोइन ने भी बहुत देर तक मुझे भाव नहीं दिया और अपने ही काम में उलझ गए। हालांकि इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, इन्होंने मुझे लड्डू थमा दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया गाइस। मेरी बंद बोलती खोलने के लिए थोड़ी देर में मेरी मम्मी ने मुझे पानी दिया। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई और मुझे प्यार करता है, मेरी मौसी आ गई गाइस। और मौसी पर मुझे इतना प्यार इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे पता था ये मेरे लिए कुछ लेके तो जरूर आई होंगी। और तभी मौसी ने अपने पिटारे से मेरे लिए जो निकाला वो बहुत ही सुंदर था गाइस। किंतु इन्होंने हर बैग में ढूंढना चालू कर दिया गाइस, अब देखिए कब मिलता है। ये है मेरा प्यारा सूट, जिसको मैं पूरा फैला के आपको दिखा तो नहीं पाऊंगी, पर बड़ा कम्फर्टेबल। कुछ ही देर में मेरे जीजा श्री ने अपनी चाय और चाट मुझे दे दी गाइस। कितने अच्छे लोग हैं मेरे घर के। प्रेस को कभी आपने गैस की आग में गर्म किया है? मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस मेरा पागलपन है। और मैं बिना प्रेस किए ही अपने आप को हूर की परी समझ रही हूँ। हूर की परी तो मेरी मौसी लग रही है लहंगा पहन के, और मेरे लिए कपड़ा लाई है इसलिए इनकी खूबसूरती में और चार चांद लग गए हैं। और इन्ही शब्दों के साथ स्वागत करते हैं आज के दूल्हे का। ये है मेरा भाई, जो सिर्फ शक्ल से मासूम दिख रहा है। मासूम तो कोई और है, दूल्हे की और मेरी ये दो बहनें जो सेम टू सेम लगती हैं। अब शुरू हो रहा है तिलक वाला फंक्शन। यहाँ पर इतना सारा फल रखा था, मन कर रहा था एक निकाल के यहीं पे खा ले। यहाँ दूल्हे को लड्डू खिलाया जा रहा है, जो हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं। फिलहाल इसने अपने दिल में थोड़ी सी जगह बनाई और सामने वाले भैया को भी एक लड्डू खिलाया। फिलहाल तिलक में जो कपड़े मिले थे उससे हमारी जिंदगी ही सुधर गई। कपड़ों के लागे भंडार तिलक है रूं, फिलहाल तिलक के फंक्शन से ज्यादा ध्यान हमारा इसके पीछे लगे स्टॉल से था, जहाँ पर खाने का प्रबंध किया गया था गाइस। और वो खाना तिलक के बाद में ही मिलने वाला था। और इसके बाद मैं जो बतासे पर टूटी हूँ कि बतासे वाला भी सोच रहा होगा किस जन्म की भुक्खड़ यहाँ पर आ गई। और यहाँ मेरा वीडियो मेरे पापा बना रहे हैं गाइस। और सिर्फ अपना ही नहीं खाया मैंने, मौसी वाला भी ले लिया है। सिर्फ अपने से मेरा पेट नहीं भरता जब तक सबका पूरे घर का ना मिल जाए हमको। और रात के 12 बजे जब सारी दुनिया सो गई तो तिलक वाले घर में हमने गाना शुरू किया। अम्बे करे मेरी अम्बे का मासा, मैया के भवन में खेले लांगुरिया, बेका जाए जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी मैया तुझे क्या कहा जाए। मोरी जागी पूरन, और सुबह होते ही मुझे एक नया नया कपड़ा और मिल गया। एक दिन में मैं 3 कपड़े कमा के जा रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बहन वाला खुद हड़प लिया है। अब अगर वो वीडियो देखेगी तो मेरी जान ले लेगी गाइस। और ये प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला अगले 5 मिनट तक जारी रहा, जो शायद आपके साथ भी होता होगा अगर आप घर से दूर रहते हैं तो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ रहते हैं। फिलहाल दूल्हे राजा को कल बहुत इज्जत मिल चुकी, इसलिए आज ये मुझे छोड़ने के लिए अब आए हैं। आप लोग भी आज के ब्लॉग से मुझे विदा कीजिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में और डेली शॉर्ट्स। तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।